दोस्तों इस वीडियो में मैं किसी बीमारी के विशेष के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ बातें ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। आपने देखा किस कदर कोरोना ने महामारी मचाई हमारे देश में, पूरी दुनिया में पैन एंडेमिक की तरह से लाखों जिंदगियाँ इस कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई। इस कोरोना ने कुछ लोगों की ज़िंदगी ले ली, कुछ लोगों पर आया और एक बुरे समय की तरह बीत कर चला गया, कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। चर्चा दोस्तों यही है कि कुछ लोग बिना किसी परेशानी के इस पैनडेमिक में उनका स्वास्थ्य सही रहा, उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो आखिर ऐसे लोगों जो कोरोना से ज़रा भी प्रभावित नहीं हुए, क्या कारण है, क्या वजह रही कि कोरोना उन लोगों को कुछ असर नहीं कर पाया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और संभवतः जो भी कारण है उसी का हम चर्चा इसमें विस्तार से करेंगे, वीडियो को अंदर ज़रूर देखेगा। और दोस्तों हमारा शरीर ये तीन तत्वों से मिलकर बना है, ये स्थूल शरीर जो आप शरीर देख रहे हैं। एक हमारा मस्तिष्क यानी हमारा मन, यानी कि हमारी मानसिक अवस्था जिसको हम मन कह देते हैं, और एक हमारा जिसको हम हिंदी में आत्मा बोल देते हैं और सोल बोल देते हैं। इन तीन चीज़ों से शरीर बना है। होम्योपैथी में इन तीन चीज़ों का विस्तार से वर्णन है, बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीन चीज़ों से हमारा शरीर बना है। अब दोस्तों ऐसी क्या वजह होती है जिनसे तीनों ही हमारे बीमार होते हैं, ये तीनों, तो दोस्तों चर्चा करते हैं। ये जो दोस्तों हमारा शरीर है, बहुत से तत्व ऐसे हैं इस शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें आपका सबसे जुड़ी सबसे मेन चीज़ है खान पान से जुड़ी हुई आदतें आपके शरीर को कमज़ोर करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। दूसरी अवस्था है दोस्तों मानसिक तनाव के कारण आपका जो मन मस्तिष्क है ये कमज़ोर होता है, और आत्मा ये तो एक स्पिरिचुअल थिंग्स है, इस पर हम अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे खान पान की आदतों में इस कदर बदलाव हुआ है कि हम आजकल हमारी ज़िंदगी डिब्बा बंद फूड मटेरियल्स पर हो गई है। जो फूड पैकेट वाले आते हैं, बंद आते हैं, जिनका आज से लगभग 50-60 साल पहले कोई भी चलन नहीं था, यानी कि हमारी फल सब्जियों पर ज़िंदगी आधारित होती थी, प्राकृतिक प्रदत्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं का हम सेवन किया करते थे, उनमें ना कोई पेस्टिसाइड हुआ करता था, ना कोई केमिकल हुआ करता था, ना रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ करता था, यहाँ तक कि दूध भी आपको शुद्ध अवस्था में मिलता था, पशु अच्छा चारा खाते थे, चारे के बाद कोई इंजेक्शन उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का नहीं लगता था कि वो इंजेक्शन वो दवा दी और दूध ज़्यादा मात्रा में निकले। लेकिन आज हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया है, फूड मटेरियल में एडल्ट्रेशन इतना हो गया है, उनमें मिलावट चल रही है, फिर आप डिब्बा बंद फूड मटेरियल देख रहे हैं, वो डिब्बा बंद जो चीज़ आज केवल जितना भी जूसेस हैं, आप घर में अगर जूस निकाल के रख दीजिए 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, और वही हम कोल्ड ड्रिंक जूसेस सब कुछ हम डिब्बा बंद पी रहे हैं, महीनों पुराना हम पी रहे हैं, वो सब कितने उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं, कितना उसमें उनका क्या, जब वो हमारे शरीर में जाता है क्या असर होता है हमारे शरीर में, हमारे लिवर और हमारे गुर्दों का क्या असर होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो मेन चीज़ अपनी खान पान की आदतों को दोस्तों बदल डालिए, ये बहुत ज़रूरी है, नितान ज़रूरी है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, आप अपने खान पान की आदतों को बदलिए, धीरे धीरे ही बदलिए, लेकिन बदलिए ज़रूर। आज का दोस्तों आज का जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर जितना भी ये सब फूड मटेरियल है ये सब ले रहे हैं, और दोस्तों ये सिर्फ हमारे शरीर को बेकार कर रहे हैं, इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक हैं ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है हमारे शरीर को धीरे 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 जो कमज़ोर कर रही है वो है हमारी खान पान से जुड़ी हुई आदतें। आज हम जो भी सब्जियां खा रहे हैं सब हाइब्रिड बीज की आ रही हैं, उन हाइब्रिड बीज को हम सेवन कर रहे हैं, उनमें जो नेचुरल प्रकृति प्रदत्त जो गुण थे क्वालिटियाँ थी वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। आज हाइब्रिड हम
फलों का सेवन कर रहे हैं, सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, उसमें कितना पेस्टिसाइड आ रहा है, कितना आप देख रहे हैं उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्गेनिक मेथड बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मेथड बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो सबसे मेन चीज़ है हमारी खान पान की आदत है दोस्तों। हालांकि हर चीज़ को हम नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम डिब्बा बंद फूड पैकेजिंग वाला जो पैकेजिंग फूड मटेरियल है हम उसको ज़रूर बंद कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत से तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाए। अब दोस्तों एक चीज़ है जो हमारी मानसिक अवस्था को कमज़ोर करता है, वो है तनाव। दोस्तों पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक ज़िंदगी की भागा दौड़ में हम लोग इतना तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, समय से पहले बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हमारा मन मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। और ये मन मस्तिष्क का असर हमारे शरीर के केमिकल्स पर पड़ता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी पर पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है दोस्तों। धीरे धीरे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ इन मानसिक तनावों के कारण पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों हर चीज़ को आप बिल्कुल नहीं, राजा महाराजाओं ने भी पुराने ज़माने में अनेकों लोगों ने बिल्कुल टेंशन लिया होगा, उस ज़माने में भी टेंशन था, मानसिक तनाव हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि हम जीवन से बहुत उम्मीदें एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं, और वो जब नहीं मिलती तो हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ये डिप्रेशन धीरे धीरे जहर की तरह हमारे शरीर को नष्ट करता है। तो दोस्तों हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है, तो अच्छा खाना खाना है, टेंशन फ्री रहना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, और सबसे मेन चीज़ है दोस्तों इस शरीर के लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एग्जर्शन बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। जितना हम मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हम ये व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर को हम काम करने नहीं दे रहे, ये हमारा फिजिकल एग्जर्शन बिल्कुल कम होता जा रहा है और हमारा शरीर लेजी, सुस्त, आलसी होता जा रहा है। इंटेस्टाइन को जितना काम करना था, एक्स्ट्रा कैलोरीज को हजम करने के लिए हमें मेहनत करनी थी, वो हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरलिपिडेमिया के शिकार हो रहे हैं लोग, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल जब आपके हृदय की धमनियों में जमता है तो आपके हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने लगती हैं, ऐसे हार्ट अटैक्स की समस्या सामने आती है। फिर इन चीज़ों के अलावा दोस्तों सबसे अब बात करते हैं कि उपचार के बारे में। एक ज़माना था दोस्तों कि जो दादी माँ के नुस्खे हर किसी के यहाँ हुआ करते थे, कोई बीमार हुआ तो ये खा लो वो खा लो, यानी कि डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा शरीर हल्के फुल्के इन्फेक्शन से हम लोग खुद लड़ते थे घरेलू दवाइयाँ खाकर, घरेलू उपचार अपना कर, और ये शरीर सही भी हो जाया करता था। लेकिन आजकल दोस्तों हम लोग इतने कह लीजिए कि जब भी कोई दिक्कत आती है, हल्का बुखार, जुकाम, खांसी हो रहा है, कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स उठाए, गोलियां उठाई और खाना शुरू कर दिए। पता नहीं कितने दिन का कोर्स है, बस खाने से मतलब है, शरीर की इम्यूनिटी को हम दवाई से बिल्कुल नष्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मेन कारण हमारी इम्यूनिटी का कम होने का कारण है कि हम ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, स्वयं से दवा लेने की आदत, इनको बंद कर दीजिए दोस्तों। कोई डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो उसको कम से कम 5 से 6 साल एक डिग्री, मेडिकल डिग्री लेने में लग जाते हैं, और आप सोचते हैं आप मेडिकल स्टोर पर जाइए दवा खा लीजिए, यूट्यूब चैनल देखिए दवा खा लीजिए, शरीर पर क्या असर होता है दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानेंगे। आप गूगल कर लीजिए पैरासीटामोल कितना आपके लीवर को, गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, पेन किलर्स जितने भी पेन किलर्स हैं, डाइक्लोफेनेक वगैरह, ये कितना आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं, कितना एसिडिटी कॉज करते हैं, आपको दोस्तों नहीं पता। आप लंबे टाइम तक लोग क्या है, जोड़ों में दर्द है, पेन किलर्स खा रहे हैं, पता चला उनके जोड़ों का दर्द तो सही नहीं हुआ, उनको गुर्दों की बीमारी और फ्री में मिल गई। तो दोस्तों हल्का फुल्का जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक्स खरीदनी खाने लगे, ये दोस्तों एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करती हैं, जो हमारे आंतों में
हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है उसको ये नष्ट कर देती हैं एंटीबायोटिक्स, और हमारी शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, लीवर ख़राब हो गया, फैटी लिवर्स हो गया, पेन किलर ले रहे हैं, हमारे गुर्दे ख़राब हो गए दोस्तों, डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, आँखें कमज़ोर हो गई। समय से पहले शरीर को बूढ़ा हम लोग खुद कर ले रहे हैं दोस्तों। इस आदतों में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, अब पहली लहर आई, अब दूसरी है, अब पता नहीं कहते तीसरी लहर की चर्चा चल रही है। तो दोस्तों हमें अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है, इस इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं इस इम्यूनिटी को दोस्तों? इसका सिर्फ आपके हाथों में बचाव है, सावधानी है, इलाज तो नहीं है। तो इलाज क्या है दोस्तों? फिर इलाज है हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जितना हमारा शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, हम हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। हमारा शरीर कुदरती, हमें बॉडी में डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है, किसी एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, किसी दवा की जरूरत नहीं है। बस हमें इस एंटी जो हमारी इम्यूनिटी है इसको मेंटेन रखना है, इसको हेल्दी बनाकर रखना है, इस इम्यूनिटी को कम नहीं करना दोस्तों। बाबा रामदेव ने एक चर्चा छेड़ी थी एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें कि आयुर्वेद बेहतर है, एलोपैथ बेहतर है, होम्योपैथ बेहतर है, बेहतर दोस्तों हर किसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एलोपैथ की अपनी लिमिटेशंस हैं, आयुर्वेद की अपनी लिमिटेशंस है, होम्योपैथ की अपनी लिमिटेशंस हैं, और किसी का स्कोप है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनमें तुरंत राहत चाहिए, आपकी लाइफ सेविंग कंडीशन है, एलोपैथ उसमें ज़बरदस्त है, एलोपैथ का कोई तोड़ नहीं है। आपको इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, खून बह रहा है, उसमें आयुर्वेद काम नहीं करेगी, उसमें होम्योपैथ काम नहीं करेगी, उसमें एलोपैथ ही काम करेगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा सीवियर कोई भी ऐसी हार्ट अटैक हो गया है, एक साथ पेन हो रहा है, तो उसमें एलोपैथ ही काम करेगी। लेकिन दोस्तों एलोपैथ आपकी बॉडी जो भी एक कंडीशन आई है एक्यूट कंडीशन को सिर्फ कंट्रोल कर लेगी। बाद में जो इलाज है किसी भी लंबी बीमारी का, इलाज आपके गुर्दे फेल हों, लीवर खराब हो, या और जितने भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको बीपी हो, शुगर हो, काफ़ी बीमारियां हैं, उनमें एलोपैथी का इतना अच्छा, बीमारी को वो जड़ से नहीं ख़त्म करती, वो कंट्रोल करती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन ऑलवेज कंट्रोल द डिजीज़, नॉट क्योर। फिर क्योर कहाँ है दोस्तों? ये जो हमारा शरीर है ये नेचुरल तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो हमारी इम्यूनिटी को कम करने की बजाय इम्यूनिटी को बढ़ाए, बीमारी से विजय दवाइयां नहीं दिलाती हैं। आपके शरीर में जो बीमारी है उस पर कभी दवाइयां उस बीमारी से निजात नहीं दिलाती, आपकी खुद की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना जल्दी आप ठीक होंगे। तो दोस्तों जहाँ तक एलोपैथिक दवाइयों की बात है, ये कभी एलोपैथिक दवाइयाँ इम्यूनिटी को हमेशा डाउन करेंगी, इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएं, चाहे वो स्टेरॉयड हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, या जितने भी केमिकल डेरिवेटिव्स ये मेडिसिन हैं, सब आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद होम्योपैथ की दवाएँ। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों ये बॉडी को इंड्यूस, सेल्फ इंड्यूस करती हैं, ये कभी बीमारी पर काम नहीं करती, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बॉडी से कहते हैं भाई अब तुम सही हो जाओ और इस बीमारी को ख़त्म करो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन का काम है बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करना। जो कोरोना वायरस जो एंटीजन होता है, जब वो शरीर में जाता है, उसके जाने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, इम्यूनिटी बनती है फिर उनसे। इन द सेम वे होम्योपैथ और आयुर्वेद की जो दवाई होती है ये हमारी इम्यूनिटी को इंड्यूस करती हैं कि भाई अब आप सही हो और इस बीमारी को स्वयं ख़त्म करो। दोस्तों हमारी दुनिया, हमारे मतलब कुदरती इस शरीर में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, रोगों से लड़ने की अचूक क्षमता है दोस्तों। बस कमी हम लोगों की यही रहती है कि हम इस अभेद किले को हम खुद से ही नष्ट करते हैं, हमारी खान पान की आदतों से, ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने से, और अनावश्यक
मादक पदार्थों के सेवन से, अनावश्यक तनाव से और बहुत ज़्यादा भोग विलास वाली जिंदगी जीने से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं। अब समय है दोस्तों, बदलिए, खुद भी बदलिए, सभी को बदलिए कि आप, आपको ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, आप डॉक्टर को दिखा कर ट्रीटमेंट लीजिए, आप खुद से दवाइयों का सेवन ना करें। जितना भी ट्रीटमेंट है दोस्तों, कोशिश कीजिए हल्के फुल्के संक्रमण में आप एंटीबायोटिक्स अवॉइड कीजिए, हो सके तो आयुर्वेद और होम्योपैथ को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे क्या दवा लेनी चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद होम्योपैथ की दवाएं जो होती है ना, ये आपकी एंटीबॉडी, आपकी इम्यूनिटी को इंड्यूस करती हैं, इंक्रेज करती हैं कि बीमारी से खुद लड़ो। अब पुराने समय में दोस्तों, अगर किसी को उल्टी हो जाती है तो तुरंत ही हम डोमिस्टॉल, जो भी इस तरह की एंटीएमेटिक्स ड्रग्स होती हैं, खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। पुराने टाइम में दोस्तों मैंने देखा था कि हम लोग नेचुरल जो सिस्टम है उसको भूलते जा रहे हैं कि ऐसी क्या दवाएं घरेलू नुस्खे होते हैं कि हम उनको लेने पर हमारी बीमारी ठीक हो जाए। बहुत सी दवाएँ तो दोस्तों आपके रसोई में होती हैं, हल्दी, जीरा, अदरक, लहसुन, ये नेचुरल, इनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स एक तरह से एल्कलॉइड्स का काम करते हैं और ये जाके जब शरीर में जाते हैं तो ये स्मूदिंग इफेक्ट के साथ आपकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची, ये सब दोस्तों नेचुरल तत्व होते हैं जो आपकी बीमारी को ठीक करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे होम्योपैथ की दवाएं खुद इन मसालों से तैयार होती हैं, इन नेचुरल जड़ी बूटियों से होम्योपैथिक दवाएं तैयार होती हैं। आयुर्वेद क्रूड फॉर्म है, आयुर्वेद में क्रूड फॉर्म में मेडिसिन होती है, जबकि होम्योपैथी में उन दवाइयों को हम और डाइल्यूट करते हैं और तब शरीर में हम दवाइयाँ वो देते हैं और हमारी इम्यूनिटी और इंड्यूस होती है, हमारी इम्यूनिटी कभी ख़राब नहीं होती दोस्तों। तो इतना बड़ा मैंने ये लंबा डिस्कशन किया दोस्तों, काफ़ी लंबा बन गया है और मेरा निवेदन है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों अगर कोई आपकी डाउट है, कोई बात आप हमसे करना चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं और आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर अपनी जो भी कोई शंका है, समाधान है, क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।